नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो इंडिया है। वो इंडिया इसलिए है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी सप्लाई चेन जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे ये आप बहुत सारे लोगों का तो कहना यह है कि रेवोल्यूशन आएगा, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा कि इंडिया के अंदर लेबर मौजूद है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से जैसे बेंगलोर और बहुत सारे और एरियाज हैं जहां से जो बायर की कंपनीज हैं जब वो कॉन्टैक्ट करेंगी, लेबर चीप होने की वजह से इंडिया को काफी ज्यादा जो है वो फायदे हैं। फिर लास्ट जैसे मैंने बताया कोविड की वजह से जो जो एक मिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है। देखें, आप दुनिया में जब भी किसी मुल्क से डील करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी क्या है। सो चाइना के बारे में जो एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है वो, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पावर बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, तो ये चीजें तो होंगी, इसका नुकसान तो होगा। सो ये कहा जा रहा है कि सारी की सारी वो जो सप्लाई चेन है उसका जो बेसिक एडवांटेज जो है वो शिफ्ट होगा जब जब चाइनीज कंपनियां कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, चाइनीज कंपनियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, चाइनीज कंपनियों को ये कहा जाएगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी वजह से हमने इनको बैन कर दिया, इंडिविजुअल्स को बैन कर दिया, तो वो जो वेस्ट में लोग डील कर रहे होंगे वो उनको कहाँ से फिर वो चीजें मिलेंगी। वो इंडिया से मिलेंगी उन कंपनीज को, अगर हो सकता है चाइनीज ही वो अपना सारा कुछ इंडिया लेके आ जाए, बिकॉज जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मौजूद है वहां पे। सो ये एक चीज है। सो भले सप्लाई चेन हो, कोविड 19 की वजह से सप्लाई चेन हो जो चाइना से निकल गई है, जैसे मैंने रिसेंटली बताया कि जो एप्पल है वो आईफोन 12 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में कर रहा है, सो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। सिमिलरली साउथ कोरिया और बाकी जो ममालिक हैं दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन अबव ऑल इंडिया ने वो एक एनवायरमेंट भी क्रिएट किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके आएंगे, सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ रेफरेंस एंड वैल्यू टू इंडिया इन दिस एनवायरमेंट। और जो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग हो रही है जिसमें इंडिया को वेस्ट प्रॉप अप कर रहा है, उसमें ऑब्वियसली इंडिया इस हवाले से बहुत सारी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनसे ये फायदा भी ले सकता है, ग्लोबल कंपनी से फायदा ले सकता है। सो एक जो नेचुरल एपेटाइट है वेस्ट के अंदर कि हमें इंडिया से इंगेज करना है, फिर इंडिया का कंड्यूसिव एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ बेसिक, वहां पे लोगों की जो आईटी के साथ फेमिलैरिटी है, फिर मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंडिया में बेहतर है, फिर अबव ऑल लेबर चीप है, दिस गिव्स इंडिया लॉट ऑफ, एंड फिर देन यूथ बहुत बड़े पैमाने पे है और सस्ती लेबर मिल जाएगी आपको इंडिया के अंदर, तो ये चीजें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बेनिफिशरी है फॉर इंडिया। सो जब भी चाइनीज कंपनी को वो सैंक्शन लगे तो फील दिस के दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल। आप जस्ट इस लिटरेचर को रिव्यू करने की कोशिश करें, दिस सप्लाई चेन का जो लिटरेचर है, तो यू विल फाइंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री विच इज बींग नोन एज और बींग सीन एज दैट कुड रिप्लेस चाइना इज इंडिया। इस हवाले से ये जो है वो एक डेवलपिंग चीज है। अब जो चाइनीज लिटरेचर छाप रहे हैं, जो चाइनीज लिटरेचर प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया को वो समझते हैं कि इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन इनफैक्ट ये इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो भी चाइना के साथ हो रहा है। वो ऑब्वियसली एक तरफ तो जो इंडिया ने अपनी पोजीशनिंग डेवलप की है कि हमें इंडिया, हमें इतना बड़ा एनिमी चाहिए कि वो एनिमी उसकी जो नेचर है ग्लोबल हो, तो जब इस तरह की बात आती है तो ऑटोमेटिकली नेशन वो जो है वो उठेगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, लेकिन पाकिस्तान को समझते हैं कि इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, वो समझते हैं कि उसकी रीजन है इतना बड़ा थ्रेट ना समझने की। ओके, उन्होंने अपनी सारी आर्मी पाकिस्तान के लिए लगाई हुई है, उनकी सारी की सारी आज तक की जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान के लिए है, और चाइना के लिए तो उनको
जो नेचर ऑफ थ्रेट है वो ही बहुत डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, और जो अब नई जिसे हम कहते हैं कि साइबर वॉर्स की वजह से चाइना से उन्होंने जो डील करना है वो बिल्कुल एक और डोमेन में डील करना है, पाकिस्तान में जो डील करना है वो एक और डोमेन में डील करना है। सो चाइना में डील करने के लिए दे बिलीव एक तो उनको फायदा होगा कि जी हमारा हमारा दुश्मन बड़ा है, दूसरा उनको ये फायदा है जनाब कि इंटरनेशनली सारी दुनिया चाइना को काउंटर करना चाहती है, तीसरा वो समझते हैं कि जितना बड़ा आपका एनिमी है उतनी ज्यादा आप यू स्ट्रगल यू स्ट्राइव यू आप एक्शन लेते हैं, ये एक जो है ना वो आप समझ लें कि एक इंसेंटिव है। इसी तरह रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि इंडिया जो है उसमें हजारों अमेरिकन जो मल्टीनेशनल्स हैं वो आ रही हैं, ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने देखी थी जिसमें तकरीबन 1,000 अमेरिकन मल्टीनेशनल्स जो हैं वो आ रहे हैं। सो आप इमेजिन कर लें कि ऑब्वियसली अमेरिका में और वेस्ट में जो वहां पे इन्वेस्टर को डिसएडवांटेज है कि वहां लेबर जो लॉज हैं, अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज ILO के लेबर लॉज भी देख लें तो वो बड़े महंगे हैं, वहां पे आपको लेट से अमेरिका में $15 an hour आपको देने हैं, जो $15 है वो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी लाइक समवेयर अराउंड 3,000 रुपया, इंडिया में वो 1,500 रुपया है $15। ठीक है जी, 8 घंटे को बंदा अगर अमेरिका में काम करता है तो 8 घंटे उसको आप देख लें कि कितने पैसे जो है वो $100 से प्लस मिल जाएंगे, $100 पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार रुपया, तो इंडिया में 7-8 हज़ार रुपया भी बन जाता है, तो वो इससे भी कम लेबर पे वो अपने लोगों को इंडिया में लेके आएंगे एंड पाकिस्तान कुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट अगर पाकिस्तान जो है वो अपने आप को प्रॉपर मार्केट कर सके, प्रॉपर पाकिस्तान अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर शो अप कर सके, क्योंकि दिस इज हाउ द अमेरिकन्स हैव टू एंगेज विद द हाईटेक, ऐसी कंपनियों से ऐसे मुल्कों से एंगेज करना, वहां पे चीजें जानी चाहिए जहां पे इन्वायरमेंट मौजूद हो, इसीलिए पाकिस्तान में भी काफी कोशिश की जा रही है लेकिन पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दैट इज तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। कमर चीमा यहाँ पर बात कर रहे थे, अमेरिका ने चाइना की 15 कंपनियों पर बैन लगा दिया और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो दोस्तों अब प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले आपको एक सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि आज से 1 साल पहले जब कोरोना आया था और चीन के कब्जे में आपको पता है कि दुनिया के सारे देशों का व्यापार था, कैसे था, क्योंकि दुनिया के सारे देश पहले जो अपनी कंपनियां हैं चीन लेकर गए थे, चीन लेकर गए, जैसे कि आपको पता होगा मोटरोला के सारे मोबाइल चीन में बनते हैं लेकिन है अमेरिकन कंपनी, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, उन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे चीन में क्योंकि चीप लेबर थी और बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं थी उस वजह से, लेकिन चीन ने खुद का अब अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है, खुद का मेड इन चाइना, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे मोबाइल हैं मोटोरोला शामोई और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि चीन चीन की ही हैं और चीन की मतलब कंपनियों को अब चीन प्रमोट कर रहा है, उनके मतलब उन्हीं को प्रमोट कर रहा है, जैसे कि आपको पता है साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में बना है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने शायद 2 साल पहले किया था, अब उसमें मोबाइल बनने भी लगे हैं। तो अब वही सीन भारत के साथ रिपीट होगा, भारत में आएंगी कंपनियां और आने भी लगी हैं, एप्पल के मोबाइल आपको पता है चेन्नई में बनना शुरू हो गया, जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत में स्विच करना चाह रही हैं। उस कोरोना पैंडेमिक के बाद दुनिया चीन से निकलना चाह रही थी क्योंकि ये इनका है कि इनके उसमें काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये छुप छुप कर इस तरीके के वायरस क्रिएट करते हैं जिससे सारी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों अब आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट तो भारत में आना था लेकिन उसके लिए देरी हो गई क्योंकि भारत में भी सेकंड वेव ने रौद्र रूप लिया और थर्ड वेव भी आने के आसार हैं। तो वैक्सीनेशन तो खैर अच्छा खासा चल रहा है भारत में, दुनिया का सबसे तेज़ी से वैक्सीनेशन जो सिस्टम है वो भारत में ही अभी चल रहा है, तो देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो अमेरिकन कंपनी है वो भारत में स्विच करेंगी, उसके लिए अमेरिका ने मतलब ये पहले से प्लानिंग बनाई है और पाकिस्तानी मीडिया में आप सुनते भी होंगे कि अमेरिका के मुकाबले में भारत को मतलब चीन के मुकाबले में भारत को खड़ा किया जाएगा अमेरिका से, तो इसका इन्वेस्टमेंट में भारत को फ़ायदा होगा, तो हमें तो अच्छा है, अगर हम वैसे भी हमारे चीन से अच्छे रिश्ते रहते नहीं और अगर अमेरिका हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी चीन के मुकाबले में, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भारत को ये इन्वेस्टमेंट की दूसरी वजह यह भी है कि यहाँ की चीप लेबर
और जो अब सिस्टम बना है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग हाई गई है, बिजनेस के जो कानून थे जो पहले स्ट्रिक्ट थे उन्हें हटाया गया है, कम किया गया है, उस वजह से भी एक भारत तो ऐसी कंट्री बन रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हालांकि ये चीज़ें आज इन्वेस्टमेंट होंगी तो इसका रिजल्ट आपको कल नहीं दिखेगा, इसका रिजल्ट आपको 10-15 साल बाद दिखेगा, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा भारत में, जैसे चीन में हुआ, चीन में दूसरे देश गए इन्वेस्टमेंट करने, प्लांट लगाए, वहाँ की लेबर को ट्रेंड किया, धीरे धीरे वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ की लेबर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, अब फिर चीन में खुद की कंपनियाँ खड़ी होंगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही कुछ भारत में भी होने की संभावना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।